नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक। आलू के दामों ने इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ रखा है। आम इंसान से लेकर सरकार तक आलू के दाम से हैरान है। आखिर क्या मजबूरी है कि सरकार आलू के बढ़ते दामों को रोक नहीं पा रही। देश में सब्जियों की कीमतें काफ़ी बढ़ी हुई हैं। देश में काफ़ी ज़्यादा खाए जाने वाले आलू की कीमतों ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस महीने अक्टूबर 2020 में देश में आलू के औसत खुदरा भाव 10 साल में सबसे ज़्यादा तो राजधानी दिल्ली में 11 साल में सबसे ज़्यादा है। देश में अक्टूबर में आलू की औसतन कीमत 39.30 रुपये प्रति किलोग्राम रही। ये 130 महीने में सबसे ज़्यादा है। वहीं राजधानी दिल्ली में अक्टूबर में आलू की औसतन कीमत 40.11 रुपये रही है। ये जनवरी 2010 के बाद यानी करीब 11 साल में सबसे ज़्यादा है। ये आंकड़ा केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से लिए गए हैं। बीते साल अक्टूबर में देश में आलू का औसत खुदरा मूल्य 20.57 रुपये प्रति किलोग्राम था। वहीं दिल्ली में अक्टूबर 2019 में आलू की औसत कीमत 25 रुपये प्रति किलोग्राम रही थी। आलू की कीमतों को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि कीमतों पर काबू के लिए सरकार कदम उठा रही है। इसके लिए 30,000 टन प्याज और आलू निर्यात किए जाएंगे। गोयल ने कहा है कि भूटान से 30,000 टन आलू आने वाले हैं। आलू पर इम्पोर्ट ड्यूटी को 30% से घटाकर 10% कर दिया गया है। ये 31 जनवरी 2020 तक के लिए लागू होगा और इसकी स्टॉक लिमिट 10 लाख टन तक ही होगी। प्याज के दाम भी देश में बहुत बढ़ गए हैं। प्याज का औसत खुदरा भाव 60-70 रुपये प्रति किलोग्राम है। प्याज को लेकर पीयूष गोयल ने कहा है कि प्याज का आयात तुर्की, इजिप्ट और अफगानिस्तान से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 7,000 टन प्याज आयात किए जा चुके हैं और दिवाली से ठीक पहले 25,000 टन प्याज और आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।